Hi guys, for the third episode of Time to Talk initiative on Poems of Homeo, we have Mrs. Gaganjeet Kaur to support us. Kindly introduce yourself. Hello everyone, I'm Gaganjeet Kaur this side. I stay in Dwarka. So let's get into the talk. And I would like to ask you first, what was the first time you got introduced to homeopathy? Dr. Tarashi, aise hai ki bachpan mein मौसी के नानी के घर जाने का रिवाज रहा है, तो हम भी जाते थे छुट्टियों में अपना सूटकेस पैक करके. तो वहाँ पर मेरे जो मौसा जी थे वो होम्योपैथी डॉक्टर थे, और मैं देखती थी शाम को या जब भी उनका वो टाइम स्लॉट होता था, पेशेंट्स आते थे और वो उनको ट्रीट करते थे. मीठी मीठी पूड़ियाँ बना के दवाइयाँ वो उनको दिया करते थे, और हम लोग बड़े हैरान होते थे कि इससे भी ठीक हो जाएगा मीठी दवाइयों से. पर जब वो बाद में कुछ दिनों बाद आके वो बताते थे कि हम लोग ठीक हुए हैं और हमारी जो एलिमेंट थी इन दवाइयों से ठीक हुए, तो काइंड ऑफ मैं उस दवाइयों से इंट्रोडक्शन मेरी हुई. और जब वहाँ से हमने वापस आना तो कई सारी दवाइयाँ वो मेरी मम्मा को भी दिया करते थे कि बच्चों के इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए ये तुम लेके जाओ, या जब ये ख़त्म हो जाए तो मार्केट से ये सो एंड सो मेडिसिन तुम ले लेना. सो दैट्स हाउ बचपन से मैं देखती आ रही थी उन मेडिसिन का प्रभाव पेशेंट्स के ऊपर जैसा रहा. जी, सो नाइस मैम. सो कैन यू टेल अस व्हाट वाज द फर्स्ट इंसिडेंस जिसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, आपने खुद ने अप्रोच किया कि नहीं मैं तो होम्योपैथी ही लूँगी, अब ये बहुत अच्छा सिस्टम है, आपने अपने ऊपर इफ़ेक्ट देखा? यहाँ डॉक्टर तराशी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि बचपन से तो मेरा फेथ तो बिल्डअप हो ही गया था उनको देखते हुए कि कैसे वो पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं और आके कैसे बिग थैंक यू के साथ वो नोट के साथ आ रहे हैं कि हमारी जो एलिमेंट है इस दवाइयों से हम लोग ठीक हो गए हैं. और उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड को एक साइनस की कुछ प्रॉब्लम हुई, पायोनाइडल साइनस में भी उसको को कहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स ने सिर्फ कहा कि सर्जरी इज़ द ओनली सॉल्यूशन. तो बचपन से मेरे दिमाग में होम्योपैथी के लिए कॉन्फिडेंस तो था ही. मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि वाई डोंट वी ट्राई दिस, कि हो सकता है सर्जरी के बिना ही आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, सो इट्स बेटर टू अप्रोच अ होम्योपैथी डॉक्टर. सो वो डॉक्टर जो हैं आईआईटी में एक पूरा होम्योपैथी का, आईआईटी दिल्ली में होम्योपैथी डिपार्टमेंट है, तो उसमें जो डॉक्टर हैं डॉक्टर शशि, बहुत रिनाउंड हैं वो, हमने उनको मिले. हालांकि मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत जानते भी थे उनको पहले से, क्योंकि दे वर स्टेइंग इन द सेम प्रीमिसेस. सो हमने उनको अप्रोच किया, प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने ही वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं ट्रीट कर लूँगा. तो हमने उनसे ट्रीटमेंट लिया एंड कुछ टाइम लगा, इट टेक्स टाइम ग्रेजुअली, बट ही वॉज़ क्योर्ड विदाउट द सर्जरी. सो मेरा कॉन्फिडेंस और स्ट्रॉन्ग हो गया होम्योपैथी के लिए. सो नाइस. सो नाउ अ डेज डे टू डे लाइफ में हाउ फ्रीक्वेंट डू यू यूज़ होम्योपैथी इन डे टू डे लाइफ फॉर योर फैमिली फॉर योर सेल्फ? मैं मेनली होम्योपैथी पे ही डिपेंड करती हूँ ज़्यादा, या कहो होम रेमेडीज़ पे, जो नानी दादी माँ के नुस्खे हम लोग घर में सुनते देखते आए बचपन से. जब ये चीज़ें नहीं ट्रीट हो पाती तब मैं सोचती हूँ कि एलोपैथी की तरफ जाऊँ. बट मेनली ज़्यादातर मेरी जो एलिमेंट्स हैं इससे क्योर हो गई हैं. मेरी बेटी को भी बचपन में चाइल्डहुड अस्थमा रहा, तो जिसके लिए अगेन मैंने होम्योपैथी का ही सहारा लिया एंड टुडे शी इज़ ऑल राइट. उसके बाद मेरी कई प्रॉब्लम्स रहीं मेरे पीछे, जब बहुत लॉकडाउन नहीं था और बहुत इवेंट्स हो रहे थे मल्हार के और कई जगहों के, तो मैं नहीं पहुंच पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हील पेन. सो इतनी ज़्यादा हील पेन थी कि मैं खड़ी नहीं हो सकती थी, और मुझे सब लोग कहते थे कि गगन तुम क्यों नहीं आ रही हो, जो इस्लामिक सेंटर में प्रोग्राम्स हो रहे हैं, मल्हार में बैठकें हो रही हैं, मैं नहीं जा पा रही थी बिकॉज ऑफ दिस सीवियर हील पेन. सो आई गॉट माई सेल्फ ट्रीटेड. अ फ्रेंड ऑफ माइंड, शी इज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर, डॉक्टर संदीपा, वो जो प्रैक्टिस करती हैं, तो उनको मैंने कहा कि ऐसे मुझे तो बड़ी मुश्किल हो रही है, देन शी ट्रीटेड मी एंड टुडे आई एम ऑल राइट. अगेन मेरे को एक और प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा बॉयल मेरे स्टमक पे हुआ, जिसके लिए मैं डॉक्टर के पास गई गंगाराम में. उन्होंने मुझे कहा कि सर्जरी इज़ द ओनली सॉल्यूशन गगन, यू हैव टू गेट योरसेल्फ एडमिटेड, उसके बिना आपका नहीं ठीक होगा. एक हम लोग कट लगाएंगे, वो निकालेंगे उसमें जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर है, एंड सम काइंड ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन इज़ नीडेड, सो यू हैव टू बी विद अस फॉर अ डे और टू, स्टिचेज आएंगे, ये सब उन्होंने एलैबोरेट सा बता दिया. सो आई रियली गॉट स्कैर्ड कि आई एम नॉट गोइंग फॉर हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑल. So again, I contacted my friend and she treated me and I'm okay. Your experiences are very nice, I must say.
Thank you so much for talking to us. And nextly, I would like to ask you, how would you summarize your experience with homeopathy in one word? How can you define it in one word? In one word, I think करिश्मा ही है मेरे लिए तो, कि सारी एलिमेंट्स बड़ी से बड़ी भी मैंने इससे मीठी मीठी दवाइयों से ठीक कर ली हैं. तो व्हाट डू आई से, एक करिश्मा मेरे लिए. सो स्वीट. ओके, फ्रॉम द स्केल ऑफ 1 to 10, हाउ वुड यू रेट होम्योपैथी एंड हाउ लाइकली वुड यू रिकमेंड इट टू योर नेबर्स, योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एवरीबडी यू नो? मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और मैं ठीक भी हुई हूँ. मेरी फैमिली ठीक है, स्वस्थ है. आज उनमें इम्यूनिटी बिल्टअप हो गई है कि वो जल्दी जल्दी हम लोग बीमार नहीं हो रहे हैं, टच वुड. और रेटिंग तो मैं अगर 10 से भी ज़्यादा होती हो तो मैं देना चाहूँगी, बिकॉज आई हैव फुल फेथ. और मेरा तो अपने साक्षात एग्जाम्पल हूँ, मैं अपने कई एलिमेंट्स से ठीक हुई हूँ. तो आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल टू दिस सिस्टम ऑफ थेरेपी. और I think more than 10 I would like to give. Okay, at the end, आप हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अभी भी डाउटफुल हैं, कन्फ्यूज्ड हैं कि इस सिस्टम को ऑप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्टूडेंट्स हैं, वो सोचते हैं कि आगे जाके पता नहीं प्रैक्टिस सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, क्या करेंगे? तो आप अपने एक्सपीरियंस से कुछ उनको एक मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी बिल्कुल, मेरा मैसेज यही रहेगा कि दे शुड ऑप्ट दिस थेरेपी. देखिए, जैसे मैं ठीक हुई हूँ बिना सर्जरी के, अगर बिना सर्जरी के आप लोगों को ठीक कर पा रहे हैं तो वाई नॉट. तो आप मेरे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे रहे हैं मेरी फैमिली में. मेरी मदर को जैसे फ्रैक्चर हुआ था तो उनको प्लास्टर तो ऑल बिल्कुल लगा, लेकिन उसके साथ साथ कई मेडिसिन हैं जिसके नाम मुझे पूरे याद नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले हुआ था रूटा में भी, शायद वन ऑफ द मेडिसिन थी उस टाइम पे जो उनको दी गई, तो उनकी रिकवरी बड़ी फास्ट हुई. और मुझे लगता है कि शायद कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स मेरे नॉलेज में नहीं है कि इसके कोई होते होंगे, तो साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, आपकी हीलिंग प्रॉपर हो रही है, आप रिकवर कर रहे हैं एलिमेंट से, बड़ी बड़ी सर्जरीज आप अवॉइड कर पा रहे हैं, तो वाई नॉट. तो आप खुद भी करें इसको और लोगों को भी करवाएं, तो आई थिंक इस थेरेपी से अच्छी थेरेपी कोई हो नहीं सकती है. जी, थैंक यू सो मच मिसेस गगन. आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, एक ट्रस्ट डेवलप होगा आपकी बातें सुन के. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू जी. बिल्कुल, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और एक इसके साथ एक पॉजिटिविटी रखनी बड़ी ज़रूरी है. जैसे मुझे जब मेरा ये बॉयल हुआ था तो मुझे लगा, जब डॉक्टर्स ने डरा दिया और हस्बैंड कहने लगे डेट ले लो, कब तुम जाना चाहोगे इसमें, मैं कहा मैं नहीं लूँगी, मुझे पहले होम्योपैथी ट्राई करने दो, आई विल नॉट से येस टू द डॉक्टर. मेरे सामने खड़े हुए थे कि मैं अपनी कंसेंट दे दूँ तो मुझे वो कर दें कि कब सर्जरी होनी है. सो आई वॉज वेरी पॉजिटिव, आई हैड फेथ इन द थेरेपी एंड आई वॉज गिवन द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ. जी, तो मैं तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ इस थेरेपी के लिए एंड आई वॉन्ट कि बच्चे जो आगे हैं वो इसको ऑप्ट करें और आगे जाएं, अपना भी भला करें, अपने परिवार का करें और इन जनरल सब लोगों का. या थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू.